व्यक्ति संजय यादव हमारे बीच में है जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू सो मच। ओके, गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र बस जी। ये पूरे इंडिया के नेटवर्क को एक जगह नेटवर्कर को इकट्ठा करने के लिए और ये महाकुंभ करने के लिए एक बार चाहूंगा सुरेंद्र बस सर के लिए एक बार दिल खोल के ताली बजा दीजिए। देखो ताली बजाओ तो दिल से बजाइए। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मेरा नाम संजय यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करता हूं। आज से तकरीबन 25 साल पहले इस इंडस्ट्री में जानने का मौका मिला। 98 में इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, एक ऐसी स्टेज से एक व्यक्ति को सुनने का मौका मिला। उस व्यक्ति ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग से मैं यहां से सालों से काम कर रहा हूं, मेरे प्राइवेट जेट है, प्राइवेट चोपर है, इंडिया आने की खुशी में मैंने पहली बार अपना प्राइवेट जेट लिया है, बहुत सारा पैसा लगा, मेरे प्राइवेट आइलैंड है। ये सब कुछ सुनकर मैं कितना दिमाग चक्कर खा गया, कितनी सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर है। उसके बाद 2000 से काम करना स्टार्ट किया और काम करते करते लगातार काम करता हूं। आज भी 27-28 दिन घर से बाहर रहता हूं, फील्ड में काम करता हूं, मेहनत करता हूं, 1-to-1 करता हूं, होम मीटिंग करता हूं। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों धैर्य रखना, विश्वास रखना, जो सपने बनाए थे ना इस इंडस्ट्री से वो सब पूरे हुए, मेरे भी और मेरी टीम के भी, आपके सबके पूरे होंगे। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? एक मिनट पहले फालतू खत्म कर दूंगा, पक्की गारंटी है। एक बार एक व्यक्ति था, धैर्य रखना इंडस्ट्री में, विश्वास के साथ काम करना। एक व्यक्ति था हमारे हरियाणा में, हरियाणा से हो तो हरियाणा की कहानी सुनाऊंगा। हरियाणा के अंदर पिताजी से बड़े भाई को ताऊजी बोलते हैं, बोलते हैं हाँ या ना, ताऊजी बोलते। एक ताऊजी का एक भतीजा था, तो ताऊजी बड़े धैर्य तो रखते ही नहीं थे, और ताऊजी के पास क्या था, कभी पेशेंस नहीं था, मतलब धैर्य था ही नहीं, हर बात में जल्दबाजी करते थे। उसका एक भतीजा था, वो भतीजा भी ऐसा ही बन गया, डिट्टो सेम, वो भी जल्दबाजी करता था। तो ताऊजी को जाना था ससुराल और भतीजों को साथ लेके चले गए। तो जैसे भतीजों को साथ लेके गए तो वहां पे प्रोग्राम चल रहा था। तो पुराने जमाने में उस प्रोग्राम के अंदर क्या होता था, वो टाट बिछाते थे, फर्श बिछाते थे, और फर्श के ऊपर पत्तल आती थी, फिर खाना खिलाते थे। जमाना पुराना था, फर्श बिछाया, उसके बाद पत्तल आने लगी, तो लोग बोलते थे लड्डू 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 लड्डू, ऐसे बोलते नहीं बोलते, देखा होगा आपने। तो उस जमाने में लड्डू नहीं, हलवा होता था, तो लोग कहने लगे हलवा हलवा हलवा। और उस व्यक्ति के पास जब हलवा आया तो उसकी पत्तल में हलवा डला, लेकिन भतीजे की पत्तल में हलवा नहीं डल पाया, वो हलवा खत्म हो गया। अब ताऊ जल्दबाज था, ताऊ ने जल्दी करी, और इतना जल्दबाज था, आओ देखा ना ताऊ, चम्मच होती नहीं थी, गरम हलवा था, गोल गोल घुमाया, मुंह में लिया, और जैसे मुंह में लिया, मुंह में लेने के बाद क्या हुआ, नहीं नहीं ऊपर तालवे में चिपक गया गरम हलवा, बुरा हाल, वो ऊपर देखने लगा, उसकी आंखों में आंसू। अब लोग, उसने देखा कि यार बेइज्जती हो जाएगी, तो भतीजे ने ताऊ की तरफ देखा और पूछा ताऊ क्या हुआ। तो ताऊ ने कहा भतीजे से कि बेटा जब मैं घर से चला ना तो तुम्हारी ताई बीमार थी, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा चलो ठीक है, बात टल गई। 2 मिनट के बाद हलवा भतीजे की प्लेट में आया, पत्तल में आया, और जैसे उसमें हलवा आया, उसने भी जल्दबाज था ना, वो भी उससे भी ज्यादा गोल गोल घुमाया मुंह के अंदर, उसके ऊपर वाले हिस्से में चिपका, आंखों में आंसू, बुरा हाल। और जब ताऊ ने देखा तो उसने पूछा भतीजा क्या हुआ, उसने बोला ताऊ मने लागे ताई मर ली। तो मेरे दोस्त जल्दबाजी नहीं करना, इस बात को समझना यार, धैर्य रखना है, विश्वास के साथ काम करना। और यही बात कहना चाहूंगा, आज सुरेंद्र बस जी ने इस प्लेटफॉर्म पे सबको इकट्ठा किया है, रियली आने वाले समय में हम सब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और ये महाकुंभ ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच सर, दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 मिनट और 22 सेकंड।